सब सो वेलकम बैक टू माय चैनल सलीना लाइफस्टाइल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो फन टास्क मैं लेके आई हूँ, जो लास्ट टाइम हमने किया था उसी का ये कंटिन्यू पार्ट सेकेंड है, तो जिसमें अगेन आई हैव टू पिक अप अ चिट और वो चिट में जो भी आएगा तो वो मुझे बनाना है और वो टाइम तो देयर इज टाइम बाउंड नहीं है, मुझे बस कुक करना है, वो टास्क जो भी है वो मुझे कंप्लीट करके मेरे बच्चों को प्रेजेंट करना है। तो चलो फिर मेरे साथ बने रहिए ये वीडियो और देखते हैं चिट में क्या आया। चलिए फिर तो गाइज ये देखिए चिट्स आर रेडी। तो अभी इसमें मुझे सेम प्रोसीजर है, मुझे सेलेक्ट करनी है, मुझे जो चाहिए चाहिए नहीं इसमें आएगा वही करना है भाई। तो दिस इज द चिट। तो जैसे आपने लास्ट टाइम देखा प्रोसीजर सब सेम है। ये दिस इज द डिश गुजराती थाली। वाओ अमेजिंग, नवरात्रि टाइम चल रहा है और मुझे बाय लक मुझे गुजराती थाली आ गया है तो मज़े की बनेगी। तो ये देखने के लिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा कि मैं आज स्पेशली क्या बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ इंग्रेडिएंट्स वगैरह प्रिपेयर करती हूँ, आई चेंज करके मैं आपको किचन में मिलती हूँ। तो अरे आप लोग किधर है, आप लोग कहाँ रुक गए? चलिए आपको तो रहना है मेरे साथ एंड तक, क्यों? क्योंकि आपको एंड तक देखना है कि मैं आज क्या कुक कर रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए, आ जाइए। सो अस्सलामुअलैकुम, सो वेलकम बैक टू माय किचन। ओके, तो हम आ गए हैं हमारे किचन में। तो अब मैं चल रही हूँ अपनी डिश की प्रिपेरेशन की तरफ। जो मुझे आज चैलेंज मिला है वो गुजराती थाली है, आपको पता है। तो मैंने सोचा कि चलो गुजराती थाली है तो वाई डोंट वी स्टार्ट विथ कढ़ी। कढ़ी इज़ द मोस्ट एसेंशियल इन द थाली, गुजराती थाली। तो गुजराती थाली आपको पता है कि बेसिकली गुजराती थाली एक फुल प्लेट मील होता है विच कैन बी सर्व इन लंच ऑल्सो और डिनर। और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है महाराष्ट्रियन थाली जैसा और ये हमारा नेबरिंग स्टेट भी है गुजरात। सो बेसिकली एक जो थाली होती है ना पर्टिकुलरली सेम जैसे महाराष्ट्रियन थाली मैंने बनाई थी, इसमें एक वैरायटीज ऑफ अलग अलग डिशेज होती है जो मिला के एक फुल प्लेटर बनती है। तो कढ़ी में आपको तो पता है बेसन एंड दही इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट, तो ये मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी। और इसके बाद मैं कुछ और अलग भी सब्ज़ी बनाऊँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे एक्चुअली गुजरात के बारे में कुछ मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ का अगर आर्ट कल्चर लेंगे तो वहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगे बहुत सारे गुजरात के आर्ट, गुजराती फॉर्म आर्ट फॉर्म में। फिर यहाँ पर जो बहुत सारी फेमस होती है ज्वेलरीज होती है विच इज़ एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स होते हैं, लेदर वर्क, मेटल वर्क, क्ले आर्टिकल्स, मेरा वर्क बहुत से। आप कभी जाएंगे इवन दो अगर आप जाएंगे तो वहाँ गुजरात सर्व्स एज अ मेस्ट मोस्टली प्रोड्यूसर्स ऑफ सम ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड एलिगेंट फर्निशिंग जो हमारे होते हैं लाइक बेडशीट्स, कुशन कवर्स, टेबल मैट्स एंड बहुत सारे क्विल्स है। पटोला साड़ी इज़ ए वेरी वेल नोन एंड वेरी फेमस इन गुजरात। सो म्यूज़िक में हम देखेंगे तो वहाँ का फोक संगीत जो है वो सुगम संगीत है और डांस फॉर्म में तो क्या कहना, यहाँ के जो सबसे मेजर डांस फॉर्म है चार हैं, डांडिया, गरबा, गरबी एंड पधार। तो गरबा डांडिया तो आई पर्सनली नो बिकॉज यहाँ पे ये जो फेस्टिव है यहाँ पे लोग नवरात्रि में इतने अच्छे से ड्रेस्डअप होके आते हैं गाइस, इतने प्यारे लगते हैं चाहे वो या कोई भी एज का हो, सब इंजॉय करते हैं मिलके, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो, मिड एज हो या बच्चे हो, सभी ये गरबा डांडिया बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ के कस्टम्स की बात करें तो ट्रेडिशंस ऑफ गुजरात एम्ब्रेसिंग डिफरेंट रिलीजियस फेथ। तो गुजरातीज डेमोन्स्ट्रेट मिक्स ऑफ हिंदुज़म, इस्लाम, जैनिज़म एंड बुद्धिज़्म, ये चारों के ब्लेंड ऑफ रिलीजन्स प्रैक्टिसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्टिक थिंग्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली, अब मैं चल रही हूँ रोटी की तैयारी करने, अब यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है मोस्टली तो हम कहते हैं गुजराती बोली जाती है, बट गुजराती मोस्टली गुजरात जो पीपल होते हैं वो ज़्यादातर वो लोग कच्ची लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ दिस एरिया। तो यहाँ पे जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं ना गाइज, बहुत लोग गुजरात मोस्टली जो अलग अलग जगहों से ऐसे मतलब कुछ कुछ फेस्टिवल्स फेयर्स ऐसे होते हैं गुजरात में, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे नवरात्रि महोत्सव हो गया, दीपावली, रथ यात्रा होता है, उत्तरायण, या उत्तरायण की तो क्या कहना, बिकॉज मेरा पर्सनली खुद का एक्सपीरियंस है व्हेन आई वाज इन अहमदाबाद, तो मैंने वहाँ खुद पर्सनली उत्तरायण का देखा है। बहुत ही मतलब इतना इंटरेस्टिंग लगता है, सारे लोग टेरेस पे आते हैं, कोई ग्राउंड्स में, बच्चे बड़े ये सब पतंग उड़ाते हैं एंड दे एंजॉय फाफड़ा एंड दैट जलेबी, ढोकला, खमन, खमनी, एवरी
थिंग दे एंजॉय। तो वहाँ का रण उत्सव जो होता है ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फेस्टिवल होता है, और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे म्यूज़िक, डांस एंड नेचुरल ब्यूटी की चीज़ें काफ़ी मिलती हैं। तो गाइज ये मैंने बकरी बना रही हूँ जिसमें मैंने आटा लिया था और साथ में मैंने नाचनी ऐड किया था थोड़ा हेल्दी रीजन्स के लिए। सो गाइज गुजरात के बारे में क्या कहना, मैं खुद पर्सनली अहमदाबाद में रह चुकी हूँ तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और थोड़ा एक पर्सनल टच भी है, अटैचमेंट। और ट्रेडिशनल एंड वहाँ का बोले तो फूड ऑफ गुजरात और ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक गुजराती मील कंसिस्ट ऑफ, मैंने जैसे बताया ये सारी चीज़ें होती है, दाल। ओके, वहाँ का सबसे जो मज़ेदार होती है चीज़ें स्नैकिंग, तो दाल ढोकली, ढोकला, फाफड़ा, कचौरी, उंदियो, हांडवो एंड गाठिया, दाल वड़ा, खाकरा एंड थेपला, ये सब जो मेजर मोस्ट अमेजिंग स्नैक्स होते हैं जो हम अभी भी यहाँ बॉम्बे में खाते हैं। गुजराती थाली फ्लेवर जो होता है ब्लेंड ऑफ स्वीट, स्पाइसी एंड सार टेस्ट के होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बताने लगी हूँ, अभी बना रही थी सेकेंड रेसिपी, मैं शायद मैं बनाने वाली हूँ सेव टमाटो की सब्ज़ी, जो कि यहाँ पे बहुत, मतलब मैं जब यहाँ पर्सनली रहने आई थी ना गुजरात में, तो मैंने खुद यहाँ के लोगों से, मतलब मेरे जो नेबर्स थे, मैंने उनसे बोल के सीखे, मतलब सीखा था ये रेसिपी। तो ये जो सेव टमाटो की सब्ज़ी होती है इसे वेरी स्पाइसी, टैंगी एंड स्वीट टमाटो करी होती है, जिसमें बाद में सेव जो बेसन फ्लावर से, बेसन के आटे से बनता है सेव, वो सेव यूज़ की जाती है। तो ये बड़े मज़े की थी। और दूसरा तो फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ के जो म्यूज़िक फॉर्म होते हैं द फोक संगीत ऑफ गुजरात, जिसे कहते हैं कि सुगम संगीत, या इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, पर जब भी मैं आपको एलैबरेट ज़रूर करूँगी फिर कभी कुछ टास्क हुआ तो। तो ये मेरी सब्ज़ी एक बन रही है। और दूसरा है वहाँ के डांस फॉर्म, तो जैसे मैंने बोला कि जो गरबा ये सब वगैरह, अभी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ या वहाँ की ड्रेस कल्चर। ड्रेस कल्चर इज़ लाइक पटोला सिल्क साड़ी इज़ द ट्रेडिशनल अटायर्स आफ्टर, मतलब इट्स लाइक इनकॉर्पोरेट टाई, और वहाँ पे ज़्यादातर वो टाई एंड डाई और ब्लॉक प्रिंट होता है ना, ये बहुत मिलता है। तो अब जैसे मैंने बताया कि नवरात्रि में लड़कियां होती हैं वो दैट चनिया चोलीज पहनती है, जिसमें मिरर वर्क भी है, ये मैं बासुंदी की प्रिपरेशन कर रही हूँ राइट। तो चनिया चोली लड़कियां पहनती हैं, बहुत कलरफुल होता है उसमें, कितने अच्छे मिरर वर्क और वो हैंड एम्ब्रॉयडरीज होती है, इतने प्रिटी लगते हैं। इवन दैट जेंट्स जो मेल मेंस होते हैं वो लोग भी जो ड्रेस पहनते हैं उसे केडिया कहते हैं, तो कितने कलरफुल लगते हैं यार जब वो गरबा खेलते हैं नवरात्रि में, सो उस लुक सो अमेजिंग, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये मैंने रोटी बनाने लगी हूँ, सो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बता रही थी कि अहमदाबाद से मेरा पर्सनल अटैचमेंट था, इसका मतलब ये था कि मेरी जब शादी हुई थी तो मैं शादी करके अहमदाबाद ही गई थी, और साल दो साल मैं वहीं थी, फिर मैं बॉम्बे आ गई और मैं वहाँ जॉब करती थी। तो मेरा ये कहना था कि मैं जहाँ थी वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, लोग इतने अच्छे थे, पड़ोसी इतने अच्छे थे, दे वर सो हेल्पिंग। अगर हम अच्छे हैं ना जनाब तो सब अच्छे होते हैं हमारे साथ, चाहे वो हम कहीं भी रहे, कोई वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर में, हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। और हमारा देश तो इतना प्यारा है, इतना कलरफुल, अलग रिलीजन, अलग कास्ट, हर फेस्टिवल्स इतने अच्छे से मनाए जाते हैं, तो हमारा देश अपने आप में ही एक फैमिली है कि जहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये मेरी डिश कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं, तो ये इतनी प्यारी से मज़े की लग रही है, आप ज़रूर बताइएगा कैसे बनी है। तो ये मैंने स्टीम राइस बनाए, ये मिर्ची के भजिए किए थे, और ये मैंने सैलेड किया है, और ये रोटी की है, और वही मैंने जो आपसे कहा था कि नाचनी और आटे की भाकरी, ये पापड़ है, ये मसाला छाछ है, और ये सेव टमाटो न्यू साग, तो ये कड़ी की है मैंने, और ये आलू की ग्रेवी की है, जो आलू का रस्सा बोलते हैं या रसीला वाला सालन और ग्रेवी कहते हैं। तो ये मैंने बासुंदी बनाई है, और ये श्रीखंड है, श्रीखंड मैंने बाहर से मंगाई थी बिकॉज़ हम लोग ऑलरेडी बहुत मीठा नहीं खाते, तो वी अवॉइड ऑल स्वीट आइटम्स। तो ये मेरी डिश कम्प्लीट हो चुकी है, माशाल्लाह देखने में बहुत प्यारी लग रही, आप भी बताइएगा आपको कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आप मेरी वीडियो कैसे देख सकते हैं, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, तो आपको मेरी वीडियोस की अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और गाइस मज़े की बात यह है कि मेरे घर में रिनोवेशन का काम फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट स्टार्ट हो चुका है, और इसकी भी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहूँगी। बच्चों को मैंने मॉम के इधर ड्रॉप किया है बिकॉज मेरे पेट्स भी थे। फिर मैं अभी अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। I can't forget the day we met, your eyes so blue, mere piercing through.